हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौरव ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। बहुत हद तक ये रिलेटेड होता है हमारे ही तरह। इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर होती है सलाइवरी रिजर्वोयर, अ फैरिंग्स, ईजोफैगस, क्रॉप, गिजर्ड, हेपेटिक सीके, मिडगट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिजेंटोरॉन। इट वुड हैव लॉट एंड लॉट ऑफ मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, विल फाइंड ईलियम, कोलोन एंड रेक्टम। चलिए लेट अस स्टार्ट अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन। फर्स्ट इज फॉरगेट, जिसे प्यार से कहा जाता है स्टोमोडियम। सेकेंड है इसका मिडगट, जिसे कहा जाएगा मिजेंट्रॉन। एंड द थर्ड पार्ट इज हाइंडगट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोक्टाडियम। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड की। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है दैट आर प्रेजेंट इन वन पेयर, अटैच्ड होती हैं ये ईजोफेगस के साथ में और अकर करती हैं कहाँ पर, इन द थोरेसिक रीजन। दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक रिजर्वॉयर होता है। जो रिजर्वॉयर होता है उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल और बेसिकली ये स्टोरेज हाउस होता है सलाइवा का। द अदर पार्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज ग्लैंडुलर पार्ट। दिस ग्लैंडुलर पार्ट इज बेसिकली लीफ लाइक इन स्ट्रक्चर एंड दिस इज द साइट जहां पर एक्चुअल में सिंथेसिस ऑफ सलाइवा होता है। अगर मैं बात करता हूँ सलाइवरी ग्लैंड की, तो इसमें से अराइज होती है एक डक्ट जिसका नाम है कॉमन एफरेंट सलाइवरी डक्ट, जो ओपन कहाँ करती है, विच ओपन्स इन टू द प्री ओरल कैविटी एट बेस ऑफ हाइपोफारिंग्स। आपको याद आना चाहिए ये मॉर्फोलॉजी वाले वीडियो में था, नहीं देखा है तो लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेकआउट कीजिएगा। सलाइवा जो होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं बेटा। नाउ लेट अस मूव टू फॉगेट, जिसको प्यार से क्या बोला था, इसको प्यार से बोला था हमने स्टोमेडियम। ओके, स्टोमेडियम जो होता है बेटा वो एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, और हम देखते हैं इसकी जो इनर साइड होती है उसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। सो आई कैन से क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द स्टोमेडियम। द माउथ वुड ओपन इन टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बकल कैविटी। बकल कैविटी वुड ओपन इन टू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स वुड ओपन इन टू ईजोफेगस नियर अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ओसिपिटल फॉरमेन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, आपके बुक के अंदर तो लिखा हुआ नहीं है, आप इसको थोड़ा लिख लीजिएगा। तो फेरिंग्स वुड ओपन इन टू ईजोफेगस नियर अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओसिपिटल फॉरमेन। इन थॉरिक्स द ईजोफेगस वुड एक्सपांड एंड इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रॉप, जो बेसिकली टेम्पररी खाने को स्टोर करता। क्रॉप वुड ओपन इन टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गिजार्ड। ये बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है गिजार्ड। गिजार्ड के बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये इस आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स में आता है कुछ। तो जब आप गिजार्ड की वॉल की बात करोगे बेटा, आप क्या देखते हो, इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ सर्क्यूलर मसल, है ना। द कैविटी ऑफ द गिजार्ड इज कॉल्ड एज आर्मेरियम। फिर से इसको लिख लीजिए, बहुत काम की चीज़ें ये सब, ये जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं बहुत काम का बेटा, ठीक है। इट कंटेन्स सिक्स काइटेनियस टीथ, जो बनते हैं दो चीज़ों के, फर्स्ट इज लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड द सेकेंड वन इज शार्प क्यूटिकल। तो जो टीथ थे वो दो स्ट्रक्चर के बन गए हमारे पास। इनका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन है फाइनली ग्राइंड करना खाने को। तो मैं देख सकता हूँ जो गिजार्ड होता है उसके उसके पोस्टीरियर पार्ट पे कुछ फाइन क्यूटिकुलर हेयर होते हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं सीव। तो गिजार्ड बेसिकली दो फंक्शन कर लेता है यार, इंटीरियर रीजन में ये खाने को क्या कर लेता है, ग्राइंड कर देता है, और पोस्टीरियर रीजन में ये खाने को क्या कर लेता है बेटा, फिल्टर कर लेता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे मिडगट की, जिसका नाम क्या है, मिजेंटोरॉन भी बोला जा सकता था ना इसको। चलिए, इसकी वॉल होती है बेटा मस्कुलर और इसके एंटीरियर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डिया। जो गिजर्ड था वो ओपन करता था कार्डिया में बाय मींस ऑफ स्टोमोडियल वॉल्व। ये आगे भी आने वाला है। हम देखते हैं फॉगेट और मिडगट के जंक्शन में होते हैं हेपेटिक सीका, जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये पॉइंट बहुत काम का है, इसको मार्क कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ रहा हूँ मैं और समझाता हूँ हाइंडगट के बारे में, जिसको प्यार से हम लोग ने प्रोक्टोडियम भी बोला था। तो जब आप प्रोक्टोडियम की बात करते हो या हाइंडगट की बात करते हो, यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं कुछ स्ट्रक्चर जिनका नाम है मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। तो दीज मालफीजियन ट्यूब्यूल्स आर अप्रॉक्सीमेटली 100 टू 150 इन नंबर, विच आर येलोइश कलर्ड प्रोजेक्शंस एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। तो ये जो मालफीजियन ट्यूब्यूल होते हैं, ये आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स हैं ये, है ना। ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता था बेटा, अगर आप लोग को याद हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट ऑर्गन ऑफ हाइंडगट, जिसका नाम है ईलियम। तो बेटा जो ईलियम होता है वो कैसा होता है, इट इज थिन वॉल्ड विथ लॉट एंड लॉट ऑफ इंटरनल फोल्ड्स इन इट।
In the hindgut, we see cuticle along with minute spines. The function of these spines, kya hota hai? It is to break the peritrophic membrane. जब digestion पढ़ाऊंगा आगे में, तो आपको बताऊंगा ये peritrophic membrane क्या होती है. Second organ जो है वो है colon. Colon is the longest and the broader most part of your alimentary canal. Third part is rectum. जो rectum होता है बेटा, ये rectum क्या करता है? It is the last part and oval in shaped with फोल्ड्स. ये जो फोल्ड्स होते हैं, उस फोल्ड का नाम होता है रेक्टल पेपिले. छह ऐसे फोल्ड होते हैं और ये जो रेक्टल पेपिले होते हैं, ये क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जैसे हमारे अंदर लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करती थी, यहाँ पर रेक्टल पेपिले करते हैं. जो एनस होता है, इट अकर्स एट द एंड ऑफ 10th सेगमेंट. नाउ किड्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो सबसे पहले फूड की अगर बात करो कॉकरोच की आप, तो उसका फूड होता है कि आप ब्रेड, ग्रेन, वुड, क्लोथ्स, ETC, आई मीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है. एंटीना जो होते हैं वो मदद करते हैं इसको, उसके फूड को आइडेंटिफाई करने में. सबसे पहले खाना जाता है प्री ओरल कैविटी में, जहाँ पर द एंजाइम्स ऑफ द सलाइवा एक्ट ऑन द फूड एंड इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द फूड नाउ एंटर्स इन टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रॉप, जहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द हेपेटिक सीके वुड रीच एंड इट वुड बी फर्दर यू नो डाइजेस्टिंग द फूड. गिजार्ड की बात की अभी हमने, उसके अंदर 6 काइटेनियस टीथ थे जो क्या करेंगे, इट विल फाइनली ग्राइंड द फूड पार्टिकल टू प्रोड्यूस अ पेस्ट. द फूड नाउ एंटर्स इनटू द मिडगट थ्रू स्टोमोडियल वाल्व. याद आ रहा है स्टोमोडियल वाल्व? अभी पीछे पॉज करो वीडियो और पीछे बढ़ करके देखो क्या था स्टोमोडियल वाल्व. कार्डिया में पहुंचा हूं मैं, जहां पर आती है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन. बेटा ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो होती है, ये बनती है ग्लाइकोजन और प्रोटीन की. मार्क कर लो, बहुत काम का है. इट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ मिडगट अगेंस्ट द फ्रिक्शन. जब खाना नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन होगा ना, उससे बचाता है ये. दिस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू डाइजेस्टिव एंजाइम. द मिडगट यू नो एंटीरियर भाग में इसका कंप्लीट डाइजेशन करवाएगा फूड का, और पोस्टीरियर भाग में क्या होगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा हमारे फूड का. समझे बात? अब देखो, हमने बताया ये वुड भी खा लेता है, तो एक एंजाइम, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्या, ट्राइकोनिम्फा. वो उसमें सेलुलोज का डाइजेशन करवाएगा कॉकरोच के अंदर बेटा. अब देखो, द पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन वुड यू नो इन द इलियम बी पंक्चर्ड बाय द स्पाइंस टू रिलीज द अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट के रूप में बाहर निकलेगा. और हमारे पास जो रेक्टल पेपिला होगा, वो क्या करेगा, इस वेस्ट फूड में से पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा. सो दिस इज इट गाइज. आई होप यू वुड लाइक द वीडियो. प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.